गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो सुबह के लगभग अभी 8:30 बज रहे हैं। अभी जस्ट मैं उठा हूँ और उठते ही यहाँ पे रिया मैडम की एंट्री हो गई है। और ये आते ही ना हमेशा मेरे को परेशान करती है कि भैया उठ जाओ, मेरे को ये उठाना है वो उठाना है। बिस्तर हमेशा कभी नहीं उठते ऐसे। उठ तो जाता हूँ, उठ तो गया अभी अभी भी ना। आप ही मान के चल सकते हो कि जबरदस्ती का सौदा किया इसने मेरे को उठाने के लिए। लोग अक्सर ब्रेकफास्ट किया करते हैं बट मेरे शेड्यूल में ऐसा बहुत ही कम होता है। जब भी मैं उठता हूँ 9-10 बजे तक, उसके बाद डायरेक्टली मैं जाता हूँ और डायरेक्ट लग जाता हूँ खाना खाने के लिए। ब्रेकफास्ट कभी कभार है तो होमस्टे में गेस्ट वगैरह आए हो तभी, या तो बचपन से ऐसा चलता था कि चाय के साथ चावल या कुछ शाम की रोटी वगैरह हो वो गर्म करके खा ली तो खा ली, अदरवाइज ब्रेकफास्ट से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। मामी जी और मम्मी वहाँ पे लड़ा रही है गप्पे। हेलो, गुड मॉर्निंग। और कोको देखो भाई, इसको ऐसा लग रहा है ना कि कितनी गर्मी हो रखी है। कोको बेटा नहा के कहाँ पे आई तू? चलो हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो। चलो जल्दी उठो, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। गुड बॉय, हेलो कर दो, हेलो कर दो, गुड बॉय। तो खाना भी खा लेता हूँ। एंड दोस्तों यकीन मानो कि नीचे बैठ के खाना खाने में जो मजा आता है ना, सच बता रहा हूँ, इतना मजा कहीं नहीं आता जो नीचे बैठ के खाने में आता है। फिलहाल आलू की सब्जी और चावल और साथ में चपाती चार यहाँ पे पहुंच चुका है, तो चलो फटाफट करते हैं खाना फिनिश। मेरे को खाना खाते खाते हमेशा ये होता है कि कोको यहाँ पे ऐसे करके लग रही है। किसने बनाई है? ब्लैक होगी, थोड़ी जल गई है, चलेगी तो भी, जली हुई है तो भी। अच्छी चुटलेगी रोटी, ऐसी होती है, ब्लैक हो जाती है, खाना चाहिए ना। खाना खाने के बाद दोस्तों अभी मम्मी ने भेज दिया मुझे काम के ऊपर, तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरा जो छोटा सा भेडू है ना उसके लिए घास लाने। देखो अलग अलग तरह की घास है, कोई उनकी फेवरेट रहती है कोई नहीं। खासकर ये वाली पेड़ जो है, अब इसके ऊपर जो खुमानी थी वो तो खत्म हो चुकी है, तो उसको हल्का हल्का तोड़ लेते हैं। थोड़ी सी डाली तोड़ी है वहाँ पे, देखो कोको भी मेरे साथ आ गया। कोको भाई क्या करने आई है? खास किया जाता है भाई। चलो इससे हमारे भेडू का पेट तो भर जाएगा, बट अभी जाने से पहले कुछ याद आ रहा है। देखो भाई सेब जो है ना थोड़े थोड़े बड़े होने लग गए, तो हल्का सा एक सेब टेस्ट कर लेते हैं, बट अभी उतना बड़ा साइज तो नहीं हुआ है बट थोड़ा सा है। नो डाउट थोड़ा थोड़ा खाने में अच्छा हो रहा है बट अभी तक उतना जूसी हुआ नहीं है, थोड़ा सा टाइम से लग जाएगा। तो अभी पकने देते हैं, फिर बाद में कोई स्पेशल ब्लॉग बना देंगे। मेरा काम होता है घास लाना, उसके बाद रिया जो है जाके बेडू को सर्व करती है। रिया देखो एक चीज बताऊं, इधर देख, हाथ दिखा। रिया मैंने जो जूठा एप्पल लिया था उसको खा रही है, और ये जनाब इसलिए नाराज हो गए हैं कि इनको एप्पल नहीं दिया। अब भाई तू क्या एप्पल खाएगा छोटे? फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। अब रूम में लेट के ऐसा नहीं है कि मैं खाली रील्स ही देखता हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसे देखता हूँ जो कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जैसे कि AI वगैरह को यूज करना, सब चीजों के बारे में सीखते रहना, नई नई चीजें। वो बस अब थोड़ा टाइम मतलब 1-1.5 घंटा यहाँ पे लेटूंगा और सीखता रहूंगा। तो पिछले दोस्तों 2.5-3 घंटों से मैं मोबाइल चला रहा था, एंड अभी लगभग टाइम जो वो दोपहर का हो गया। एंड आपको पता है इतनी देर में मैंने क्या इंटरेस्टिंग काम किया? कहीं बताऊं दोस्तों, कुछ ना कुछ सीखने के लिए, किसी चीज में मास्टर होने के लिए आपको टेक्नोलॉजी के साथ कहीं ना कहीं आगे चलना पड़ता है। तो अभी मैं बात कर रहा था AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रॉबर्ट से, जो कि आपको पता ही है इस एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है, ChatGPT करके जो आती है। इससे मैं पूछ रहा हूँ कि मान के चलो, मैंने कहा फ्यूचर में तुम्हारे लिए पॉसिबल हो गया कि तुम इतने एडवांस बन गए तो फीलिंग्स भी आ गई तुम्हारे अंदर, तो क्या तुम मुझे याद रखोगे? तो ये बड़ा समझदारी से मुझे जवाब दे रहा है, जब तक मैं AI लैंग्वेज मॉडल हूँ मुझे एक समझदार और चेतना बोलता इंसान नहीं हूं, मतलब मैं किसी को याद नहीं रख सकता। मैंने इसको बोल रहा हूं, मैंने कहा चल मान के चल कि प्रॉमिस कर कि याद करेगा तू, क्या बोल रहा है मुझे माफ कीजिएगा मैं नहीं कर सकता हूं, कि मैं हर एक चीज को नए वे से सब करता हूं। तो मैंने इसको पूछा कि बोल रहा था ना कि यहां पे देखो मुझे माफ कीजिएगा मॉडल की तरह हूं, और ये बता रहा है कि मैं हर एक बार एक नई सेशन को शुरू करती हूँ, ठीक है। तो मैं इसको पूछ रहा हूँ, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट मैसेज किया था तो वो मैसेज क्या किया? तो ये मेरे को यहाँ पे बता रहा है, देखो जब तुमने पहली बार मैसेज किया था तो आपका मैसेज था हाय, ठीक है। अब इसका मतलब क्लियर सा तो है कि AI थोड़ा सा डाटा जो वो सेव तो करता है आपका, जब उससे चैट करना स्टार्ट करते हो आप कभी भी, हालांकि वो ये बोलता है कि वो आपको बताया वो डाटा किसी को नहीं देता। तो काफी देर मैंने बहुत इंटरेस्टिंग बातें करी AI के साथ, जैसे कि चंद्रयान 3 के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि 2021 तक का डाटा मेरे पास है, जब मैं था तब वो बन रहा था। मैंने कहा आज की डेट में वो बन गया और लॉन्च भी हो गया, तो कांग्रेचुलेशन सबसे पहले जो मेरे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं इंडिया वालों के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। AI भी इसके ऊपर से बोल रहा है कि अच्छा ये तो बहुत कमाल की न्यूज है। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों, क्योंकि आज का टाइम ना आने वाले टाइम में AI चलेगा, आपको पता है फ्यूचर यही है, तो क्यों ना इन चीजों के बारे में जरा सीखे और कल को ताकि प्रॉब्लम ना हो जॉब वगैरह को लेकर, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। इधर कमरे में देखो तो भाई सारे के सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं। अम्मा जी आज कैसे यहाँ पे? ठीक है। नहीं आज कैसे आए इधर? इधर ऐसे आ गई है, छोटी बच्ची आ गई है। और इन सबके पीछे आने का एक रीजन है, वो है हेलो 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 इबू कैसे हो? रोना शुरू कर दो बेटा, मेरे को देख के रोना शुरू कर दो। जैसे इसको मैं लूंगा ना अपने उसमें, तो मेरे को पता है ये कर देगी स्टार्ट। आ जाए इबू, आ जाओ इबू। नो 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 नो। देखो 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 ये देखो, क्यों तो क्यों क्यों तो नहीं बेटा ऐसा नहीं करते। नो इबू इबू नो इबू 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 वो मिल जाए इबू। ये क्यों रोती है आप? इसके साथ ना बड़े बड़े
पहचान ही नहीं पाती है मेरे को। ले लो ले लो अपनी लड़की को ले लो, पक्की भी नहीं करने वाली। अब देखो जैसे दीक्षु के पास जाती है वापिस से चुप हो जाती है। चूरी तुम्हें नॉक तोड़ दूंगा, कभी नॉक तोड़ दूंगा नॉक। चला चला चला। एंड तुम कैसे हो? ठीक ठाक बढ़िया। आप बताओ। मैं भी बढ़िया। मेरे से तो कोई ऐसे भाई, मेरी ईवू के आने के बाद मेरी तो इज्जत ही नहीं है ना कोई। क्यों नहीं मम्मी, है नहीं इज्जत इसकी? क्या ऐसे बोलो, ये जो सारे आते ना, जब मैं आती हूँ गले सीधे ईवू को, तो ईवू को तो मेरा कोई पूछता ही अभी छोटा में बहुत आ गई। तुम्हें क्या चक्कर है? पतले बहुत हो गया। कुछ लग रही है पतली पतली। अच्छा इसने मेरी शर्ट पहनी है तभी बताऊं मैं। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ होमस्टे की तरफ, क्योंकि वहाँ पे गर्मी है। मेरे को सफाई अब रोड वगैरह प्रॉपरली अच्छे हो गया, तो क्यों ना इस बिजनेस को कंटिन्यू करा जाए। ये एकमात्र होमस्टे ही है दोस्तों जिसकी सफाई मैं करता हूँ खुद से, और घर वालों को नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि मम्मी ऐसा बोलते हैं कि मेरे से नहीं हो पाता यार ज्यादा। तो अभी आप लोगों से ज्यादा तो बोल नहीं सकता, बस यही बोलूंगा इसके रिलेटेड। अगर आप भी अभी भी बुकिंग चाहते हो तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। और आइए खूबसूरत पहाड़ियों में। अभी तो मौसम जो है फिलहाल बादल बादल का है, बट नज़ारा जो है वो चारों तरफ का काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बना हुआ है। तो बुक करिए और फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको आना है, क्या करना है, क्या का पूरा का पूरा आपको इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, दीक्षु को जाने का भी टाइम हो रहा है। ठीक है, बाय बाय। ऐसे नहीं कहते बाय, बाय बाय, ऐसे गले लगते करते हैं। बाय बाय। अभी तो रो रही थी ना, इधर इधर ले आओ इसको। अभी भी रोई इसको, अभी मैंने पप्पी की दी ना जाते हुए, तो भाई इतना ज्यादा रो रही है। शिपू 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 रोना नहीं है। बाय 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 बाय। पिछली वीडियो में एक लड़का पता क्या बोल रहा था, है ना, बस सेम टू सेम हिमाचल वाला की तरह लगती है। अच्छा। छोटा हिमाचल वाला तो कोई नहीं, था मैं इतना क्यूट बचपन में, इसमें क्या। तो दीक्षु अभी चली गई थी दोस्तों, एंड उसके बाद मैं बैठ गया था थोड़ा, मतलब सीरियस होके मैंने कहा चलो यार बाकी दूसरे यूट्यूब चैनल के लिए भी काम कर लेते हैं। तो अभी ये सेटअप का कोई खास जुगाड़ हो नहीं रहा था, तो मैंने कहा यही बैकग्राउंड सेटअप ले लूँ। यहाँ पे मैंने RGB लाइट वगैरह लगाई, और यहाँ पे बेचारी रिया को बोला मैंने थोड़ा सा मेरा वेट कर ले, क्योंकि भाई देखो रूम की क्या हालत कर दी मैंने, लाइटें यहाँ से वहाँ उठा के वहाँ से वहाँ डाल के, कोई कनेक्शन यहाँ को लगाए कि ये बोर्ड निकाले क्या निकाला क्या, मतलब रूम पूरा चौपट हो रखा है। फिलहाल ये सारा सेटअप करता हूँ। सही रिया रिया रिया, ओहो रिया बन गई वीडियो मेरी भाई, इसको तो नींद ही आ गई, क्योंकि बहुत बहुत दिनों के बाद जब ये टेक्निकल लाइन की वीडियोस बनानी होती है ना, तो आपको पता है कि एक्सपीरियंस जो है ना वो थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, क्योंकि आपको 4-5 मिनट जो वो कंटिन्यू बोलना होता है, और पर्टिकुलर किसी एक मतलब आप समझ लीजिए बात के ऊपर ही बोलना होता है। तो थोड़ा सा मेरे को अभी प्रॉब्लम आई 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 आई, मतलब 1-1.5 घंटा लग गया सोच लो मेरे को 5 मिनट की वीडियो बनाने में, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे के टाइम के बाद मैं इस चैनल के ऊपर वीडियोज बनाता हूँ ना। बट अब सोचता हूँ यार कि अब रेगुलर होना ही पड़ेगा, आखिर कितना वेट जो है वो करवाता रहूँगा। अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों अभी चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वीडियो देखनी तो देख लो, आपकी बार झूठ नहीं बोलूँगा, आपको वीडियो वहाँ पे दिख जाएगी, आप देख सकते हो जाके एक बार देख ही लो यार। जिनको चैनल मोनेटाइज करवाना है ना, जिनको लगता है कि भाई ये पैसे दे के थोड़ा चैनल एक बार मोनेटाइज हो गया तो हमारा सब कुछ बेड़ा पार हो जाएगा, यूट्यूब चैनल क्रिएट हो जाएगा, अच्छे से पैसे कमा लेंगे, तो वो उस वीडियो को जाके देख सकते हो। 1 hour later तो अभी दोस्तों एडिटिंग का काम कंटिन्यू चल ही रहा था। यहाँ पे देखो कितने सारे फैन मेरे से मिलने आ गए। हेलो करो, ऐसे हाय करो, हाय करो, हेलो हेलो, ठीक हो? और भाई इन्होंने आके जो हल्ला मचाया हुआ है ना, हेलो हेलो, बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ। हाँ, क्या नाम आपका, क्या नाम है? राध्या। आपका? कृष्ण। आपका? इवानी। और आपका? सुहानी। अच्छा, ये सारी की सारी मेरे चाचा जी की लड़कियां हैं। एंड भाई अभी मतलब सही बताऊं तो मेरे साथ कुछ ऐसा रहता है कि बच्चे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ये यहाँ पे रहते नहीं है, शायद इसलिए था काफी कंफर्टेबल अभी। तो अभी तो थोड़ी देर से ऐसा है कि भाई पूछो मत, रूम का इन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम उठा दिया। रिया लेके आई है इनको, है ना? क्या खींचूंगा इनकी? क्या खींचना है? फोटो। किसकी फोटो? वो कैमरा वो नहीं पकड़ते ऐसे। हां, क्या चीज? मैंने इनको उठाना है। क्या? ये वाला कैमरा। कैमरा उठाना है? हाँ। क्यों? दो मुझे। क्यों क्यों उठाना है? इनका इनका उठाना है यार, फोटो की। अच्छा, इनकी बेटा टूट टूट जाता है, टूट जाता है आपका कैमरा? हाँ, आराम से बैठो, आराम से आराम। क्या हुआ? लाइट यहाँ से वो वाला बढ़ रहा, वो से जल जाती है, देखो। हाँ हाँ, जल जाती है, जल जाती है।
तो रात वाला दोस्तों खाना यहाँ पे बनना शुरू हो चुका है। यहाँ पे बन रही है चपाती, और साथ में क्या बन रहा है शीतल? राजमा की दाल। और तेरा काम क्या है? तेरा काम क्या है? खाना। खाना अच्छा, रिया का काम होता है पीछे, देख रहे हो वो रिया का दोस्त, क्या बोलते है इसको हिंदी में, क्या बोलते है? क्या कूड़ा निवारण के क्या बोलते हैं, चला बोलते हैं ना ऐसे, हिंदी में क्या बोलते हैं? पता नहीं। हाँ तो रिया उसके बाद में वहाँ पे फाइट करेगी, फिलहाल चपातियाँ यहाँ पे बन रही हैं। One hour later. अभी दोस्तों मैं खाना खाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ना एक कॉल आई है, एंड सच बताऊँ तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई है। इतनी ज्यादा क्रिएट हो गई कि अगर टाइम पे कुछ ना किया गया तो भाई मतलब घर में बैठे बैठे भी जेल भरे दिन देखने पड़ेंगे, मतलब जेल में जाना पड़ेगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ आप लोगों को। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, तो चलो कल के दिन मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में कि एक्चुअल में हुआ क्या है अभी। बट जो भी है मतलब बड़ा मैटर है, और उसको सॉल्व करने के लिए ना दोस्तों सही बताओ तो बहुत मेहनत लगने वाली है अब की बार, और बहुत सी चीज़ें आप लोग भी बताना मेरे को, बट प्रॉब्लम बहुत बड़ी होगी यार। खैर दोस्तों अभी फिलहाल वीडियो को एंड ही कर देता हूँ, क्योंकि उस बात को सुनने का अंदर मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो गया यार, क्योंकि आप किसी को आप बहुत ज़्यादा चाहो प्यार करो फिर उसके बाद सब ये चीज़ें होती हैं ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।